गहरी नींद किसे अच्छी नहीं लगती। हर कोई चाहता है कि जैसे ही बिस्तर में जाए वैसे ही बच्चों जैसी प्यारी नींद आ जाए, लेकिन आज की डेट में सोने से पहले लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है कि उनको नींद आ जाए। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जब सोने जाते हैं तो उसके पहले तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। चाहे आप टीवी देखते रहते हैं, चाहे आप लैपटॉप में काम करते रहते हैं, चाहे आप मोबाइल चलाते रहते हैं और उसके बाद तुरंत मोबाइल रखा और सोने की कोशिश करते हैं, तो ये जितना भी ब्लू लाइट का एक्सपोजर आपको होता रहेगा सोने से तुरंत पहले तक, तो आपकी नींद आने में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। एक दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका शरीर और मन अभी भी शांत नहीं है। पूरे दिन भर की जो भी भाग दौड़ है उसकी वजह से अभी दिमाग शांत नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा हो कि कुछ ऐसे आसनों का अभ्यास मैं आपको बता दूं जिससे कि आपका मन भी शांत हो जाए, शरीर भी शांत हो जाए और अच्छी नींद आने में आपको परेशानी ना हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी जबरदस्त आसान योगासनों के अभ्यास जिनको आपको सोने से पहले कर लेना है ताकि आपको गहरी प्यारी बच्चों वाली नींद आए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर आप चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा आपको बन जाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो भाई आज की वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है बल्कि आपको साथ साथ करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज रात में ये अभ्यास आप सभी करके सोइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोने से पहले अपने मुंह को धोइए अच्छी तरीके से, हाथ पैर धोइए अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद सोने के लिए जाइए। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी सोने से कम एक से दो घंटे पहले, अगर दो घंटे पहले ना हो तो कम से कम एक घंटे पहले अपने से दूर रख दीजिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर पॉसिबल है तो अपने घर का वाईफाई और इंटरनेट ज़रूर बंद करें, इससे आपको गहरी नींद आने में बड़ी ही आसानी होगी। इसके अलावा जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने कमरे की लाइट ऑफ, इससे आपका मेलाटोनिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है जो कि आपकी नींद जब तक गहरी नहीं होगी तब तक उसका प्रोडक्शन जो है नहीं होगा। नींद जो है मेडिसिन का काम करती है। अगर नींद गहरी नहीं है तो दूसरे दिन आप एक्टिव महसूस नहीं करेंगे, दूसरे दिन आपका किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन महसूस होगा। और अगर ये चीज़ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती रही तो आप बहुत ही जल्दी शिकार हो जाओगे मेंटल स्ट्रेस के, चाहे वो एंग्जाइटी के फॉर्म में हो, चाहे वो डिप्रेशन के फॉर्म में हो। कब्ज़ आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगी और जब कब्ज़ जो है ठहर जाती है तो ये कई सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज़ का प्रॉब्लम बनती है। गट का माइंड के साथ कम्युनिकेशन का कनेक्शन जो है वो लूज़ हो जाता है, पाइल्स की समस्या हो जाती है, अल्सर हो जाता है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हमें सामने के देखने के लिए मिलती है। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इन समस्याओं से ओवरकम होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की प्रॉपर गहरी नींद आनी बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं अभ्यास जो कि सोने से पहले हमें करना है। तो मैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई हूँ, आप भी ऐसी तैयारी ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप सोने के लिए जाएं तो बहुत ढीले ढाले कपड़े पहने, कभी भी बहुत तंग कपड़े ना पहने, बहुत ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने। तो सबसे पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो हम अपने मन को शांत करने के लिए, नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए अभ्यास करेंगे। शशांक आसन में अपने घुटनों को एक दूसरे से अलग करेंगे। इस तरीके से आप सबसे पहले अभ्यास के लिए इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर आपके दोनों अंगूठे जुड़े हुए हैं, एड़ियाँ बाहर की तरफ है। अब क्या करेंगे आप, ये अभ्यास अपने बेड पर ही बैठे बैठे करेंगे। दोनों घुटनों को एक दूसरे से ऐसे अलग कर लेंगे आप इस तरीके से ऐसे, और फिर उसके बाद अपने तकिए को अपनी बॉडी के ऐसे करीब लेके आएंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ये गोल तकिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कम से कम ऐसी वाली तकिया, फ्लैट तकिया 2, 3, 4 जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतनी रखें, इस तरीके से पेट की तरफ लाएं। अब इससे क्या होगा, पेट को हल्का मसाज मिल रहा है, और धीरे 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 ऐसे हाथ को मैट पर रखें या अपने बेड के ऊपर रखें और ऐसे वॉक करते हुए अपने चेहरे को किसी भी एक साइड टर्न कर दें, चाहे राइट साइड और चाहे लेफ्ट साइड इस तरीके से, और
अपने चेहरे को राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करते हुए आराम से ऐसे लेट जाएं, ऐसे, और इस पोजीशन में कम से कम 5 मिनट ऐसे ही लेटे रहें। इस तरीके से हाथ को आगे की तरफ स्ट्रेच कर लें। जब आप इस तरीके से लेटेंगे तकिए के ऊपर, तो इससे क्या होगा, आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा, आपका मन जो है वो शांत होगा, आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है घुटने में दर्द होने के कारण, एंकल में स्टिफनेस होने के कारण इस तरीके से हम नहीं बैठ पाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने पालथी मार के ऐसे बैठ गए, इस तरीके से पालथी मार के बैठ गए और तकिए की हाइट को बढ़ा लीजिएगा, सो दैट आप जब इस तरीके से आगे की तरफ जाएं तो आपको बैक साइड में कोई भी पेन ना हो, और इस तरीके से चेहरे को किसी भी साइड घुमा के आराम से अपने हेड को अपने तकिए पर रख दिया ऐसे, और ब्रीथ करते रहे। ब्रीदिंग को बहुत नेचुरल रखेंगे, बहुत नॉर्मल रखेंगे, और अगर पालथी मार के भी नहीं बैठ सकते हैं तो पैरों को इस तरीके से खोल लें और अपनी तकिए को और बॉडी के करीब लेके आएं, और फिर इस तरीके से हेड डाउन कर लें। अभी तकिया जो है, अगर इस तरीके से अभ्यास करें तो नंबर ऑफ पिलो जो है मुझे और लगेगी, तो आराम से इस तरीके से अभ्यास कर लें ऐसे। अब इसमें क्या होगा, स्पाइन अच्छी तरीके से खींचेगी, लोअर बैक पे जो टेंशन है, अब दिन भर गाड़ी चला के या कि फिर आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं या घर पे ही रहते हैं, तो पॉस्चर जो है बिगड़ने की वजह से स्पाइनल कॉर्ड ऐसे झुकी हुई होती है, तो जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है, कंधों को बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है, ब्लड फ्लो आपके हार्ट की तरफ आसानी से होता है और आपके मन को ये शांत करता है इस तरीके से ऐसे। अगर तकिए का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इस तकिए को किनारे रखिए और अपने योगा मैट पर इस तरीके से हेड डाउन कर लें ऐसे, इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपका हेड डाउन होने से आपका ब्लड फ्लो हेड रीजन की तरफ प्रमोट होता है, कंधे आगे की तरफ झुकेंगे, स्पाइन आगे की तरफ झुकेगी, तो ये तभी करें जब आपकी एंकल्स जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो हाथ को आगे की तरफ खींचें और हेड डाउन कर लें ऐसे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए रेस्ट करें, रेस्ट करें, रेस्ट करें। तो इस आसन का अभ्यास कम से कम 5 मिनट कर लें और फिर उसके बाद पैरों को रिलीज कर दें। अब बढ़ रहे हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ। इसको करने के लिए आप क्या करें, ऐसे अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं, दोनों पैरों को आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर लें और अपनी पिलो को ऐसे अपने बॉडी के पीछे रखें ऐसे, इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे आप चाहें तो एक तकिया और रख सकते हैं, बट ये हाइट ऑलरेडी काफ़ी है, गोल तकिया नहीं रख रहे हैं, तो ऐसी फ्लैट तकिया कम से कम आप 2 रख लीजिएगा। अब ऐसे रखते हुए अब धीरे 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 इस तरीके से लेट जाएं और कंधों को खींचने दें नीचे की तरफ, कंधों को रिलैक्स कर दें और अपनी छाती को खुलने दें, हाथों को और दूर कर लें चाहे तो पैरों को और दूर कर लें, और ब्रीथ करते रहें, ब्रीथ करते रहें, ब्रीथ करते रहें। ये हो गया। इस अभ्यास से क्या होगा कि पूरा दिन आप जब कंप्यूटर या लैपटॉप में बैठे हुए काम करते हैं या घर पे काम करते हैं, घर पे बैठे हुए टीवी देखते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि स्पाइनल कॉर्ड आगे की तरफ झुक जाती है। अब उस कंडीशन में से बचने के लिए, आपका पॉस्चर सही करने के लिए, इस तरीके से आपकी छाती जब बाहर की तरफ खींच रही है तो स्पाइनल कॉर्ड को एक तरीके का आर्च मिल रहा है, कंधों को आप इस तरीके से ढीला छोड़ रहे हैं तो कंधों की स्टिफनेस भी जो है तो दूर जाएगी, पेट की मांसपेशियां जो है हल्की सी अंदर की तरफ खींचेंगी, पैरों को रिलैक्स करेंगे, हाथों को रिलैक्स करेंगे, और आंखों को बंद किए हुए अगर आप इस आसन में 5 से 10 मिनट लेट गए तो कभी भी ज़िंदगी में आपको बैक पेन नहीं होने वाला। बैक पेन यानी चाहे तो लंबर पेन, आपको साइटिका का पेन, या कि फिर आपको थोरेसिक रीजन में पेन या सर्वाइकल रीजन में पेन कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा, और साथ ही आपकी ब्रीदिंग की जो कैपेसिटी है वो इन्हांस होगी, लंग्स वेंटिलेट होंगे, हार्ट वेंटिलेट होंगे और कंधों का दर्द कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से आराम से लेटे हुए 5 से 10 मिनट ऐसे मत्स्यासन का अभ्यास करें। अब इसमें एक आसन का अभ्यास और जोड़ सकते हैं, जब आप अपने दोनों पैर के तलवों को ऐसे जोड़ लें
ऐसे इस तरीके से, और दोनों घुटनों को बाहर की तरफ रखें। इसमें और एडिशनल बेनिफिट हो गया कि हिप जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। पूरा दिन आप काम करते करते थक जाते हैं, हिप्स के अराउंड जो है कड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कड़ापन भी दूर होगा और साथ ही आपके जेनाइटल्स की तरफ ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है। तो आराम से ऐसे लेटे हुए ब्रीद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीद करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। तो कितने देर अभ्यास करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट कर लें। ज़रूरी नहीं है कि तीनों आसनों को एक साथ करें, कोई भी एक आसन सेलेक्ट कर लें और इस तरीके से अभ्यास कर लें। अब बढ़ रहे हैं अगले आसन की अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है विपरीत करणी। इसको हम वॉल की सपोर्ट से करेंगे। तो इसको करने के लिए हमने अपनी योगा मैट को दीवार के पास ले जाना है ऐसे। तो हमने अपनी योगा मैट को दीवार के पास रख लिया है। आप एक काम कीजिएगा कि एक तकिया ले लीजिएगा, उसको दीवार के पास ऐसे रख देंगे, और फिर रखने के बाद आप क्या करेंगे, अपनी योगा मैट पर बैठे हुए दीवार की तरफ थोड़ा सा खिसकते हुए जाएंगे, और फिर तकिए के ऊपर बैठते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे दीवार पर रख लेंगे, और आप तकिए के ऊपर आराम से कमर के नीचे तकिया रख के दोनों पैरों को दीवार पर रखेंगे, हाथों को बॉडी के साइड में रख लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि पैरों में जितना भी दर्द है वो छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते बहुत से लोगों की खड़े होने की जॉब होती है, तो इससे पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और एंकल में या घुटनों में बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है, वेरिकोज वेन की समस्या होती है, या बहुत अधिक कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। तो इस तरीके से ब्लड फ्लो आपके पैर से ऊपर की तरफ, पैर से होते हुए अपर बॉडी की तरफ आता है, इससे आपका हार्ट भी शांत होता है, हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होती हैं इस तरीके से। तो आप इस अभ्यास को चाहे तो पैरों को इस तरीके से अलग कर लें, और आराम से लेटे हुए इस अभ्यास को भी 5 से 10 मिनट ऐसे अपने पैर को दीवार पर रखें और लेटे हुए नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, और खुद ब खुद कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे वो झंझनाहट पैर पर। तो इस अभ्यास से पैरों का दर्द छू मंतर हो गया। फिर उसके बाद आप अपनी योगा मैट पर लेट जाएंगे इस तरीके से। अपने घुटने के नीचे आपको एक तकिया रखना है इस तरीके से, और फिर इस तरीके से ऐसे लेट जाएंगे, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे ऐसे ऐसे। तो इससे घुटनों पर जो है लोड कम आएगा, कमर के आसपास लोड कम आएगा, और आप आराम से शांत हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब शव आसन में ऐसे लेटे, तो लेटे लेटे अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करें, कैसी आ रही है सांसें, कैसी जा रही है सांसें, जैसे सांस आए जाए उसको देखते रहें, और ऐसे देखते देखते कब आपको प्यारी नींद आ जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। ब्रीदिंग को देखते रहे, ब्रीदिंग को देखते रहें, और फिर आराम से ऐसे लेट जाएं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ताकि आपको ओवरऑल स्वास्थ्य लाभ मिले, कोई भी हेल्थ कंडीशन हो जिससे आप उबरना चाहते हैं, चाहे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, PCOD, PCOS की समस्या, मानसिक तनाव होना, इन सारी की सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में निरंतर योग का अभ्यास करने से मैंने अपने क्लास में ही स्टूडेंट्स की हेल्थ में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि ये योगा क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को हम जूम के माध्यम से संचालित करते हैं, जिससे कि आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहें, बस एक घंटे का वक्त निकालना है, अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपनी योगा मैट को बिछाना है, क्लास को लॉग इन करना है और अभ्यास शुरू कर देना है, बस इतना काम करना है। अगर किसी कारण से आप स्पेसिफिक टाइम पे ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस इस तरीके से डेवलप किए हैं जिसमें कि एक घंटे की वीडियो होती है। आप जैसे ही इन कोर्सेज को परचेस करते हैं आपको तुरंत एक्सेस मिल जाता है, और आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अलग अलग तरीके के आसन, प्राणायाम, ध्यान, निरंतर योग का अभ्यास कर सकते हैं। और एक बार ये कोर्स परचेस करने के बाद आपको लाइफ टाइम का एक्सेस मिल जाता है, यानी बार बार कोर्स परचेस भी नहीं करना है, आपके पास हमेशा ये वीडियोज़ रहेंगे, आप इनको कभी भी प्ले कीजिए और अभ्यास कीजिए। अगर आप इन कोर्सेज और क्लास के
बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर कर दी है जो कि है www.yogawithshahida.com या कि फिर यहाँ पर मैंने ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो क्लास के बारे में और कोर्स के बारे में आपको सारी जानकारी तत्काल भेज दी जाएगी। जाइए चेकआउट कीजिए। इन आसनों का अभ्यास अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो आपका चिड़चिड़ापन, गुस्सा शांत होगा, डाइजेशन बेहतर होगा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में आपको निजात देखने के लिए मिलेगी, साथ ही नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होगा, आपका डाइजेशन बेहतर होगा। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपकी नींद गहरी हो। तो इन अभ्यासों को करने से मन शरीर शांत होगा तो नींद जो है आपको गहरी प्यारी आएगी, दूसरे दिन काम करने में मन लगेगा, आपके काम में प्रोडक्टिविटी आएगी और पूरे दिन ऊर्जावान रहेंगे। अगर आप बात करें लिमिटेशन की, इन प्रैक्टिसेस को करने का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो कोई भी इंसान किसी भी वक्त इसका अभ्यास कर सकता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से स्टेप बाय स्टेप हमने सीखे इन आसनों के अभ्यास, जिससे कि सोने से पहले ही हमारा मन शरीर पूरे बॉडी पार्ट्स शांत और रिलैक्स हो जाएं, जो कि हमें मदद करे गहरी प्यारी नींद लाने में। अब आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पर अगली वीडियोस बननी चाहिए। मैं आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये चैनल तो आपके लिए ही है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिनको रात में नींद अच्छी नहीं आती है, ये नींद आने में बड़ी तकलीफ होती है या नींद पूरी नहीं आती, तीनों केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्ते।